अरे मेरे बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे, तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा, आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू है उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं, बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी, मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया, आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बनाकर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ, काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे, सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करती हैं, सबकी टोकरी में 5-5 किलो आलू है, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करती है। भाई लोगों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मोदी जी क्या हाल है, ठीक तो हो? सब कुछ बढ़िया तो है? अरे भिंडी बहुत बढ़िया बेच रहे हो, तगड़ी तगड़ी बहुत बड़ी बड़ी भिंडी है, 1 किलो भिंडी दे दो यार, मम्मी ने भिंडी लेने के लिए भेजा है। अरे राहुल कोई ढंग के कपड़े तो पहने आया करो, अरे तुम तो कच्चे में ही चले आए भिंडी लेने के लिए, समझे? भिंडी तुम्हें इतनी पसंद है जो भिंडी लेने चले आए? अरे योगी जी क्या बताऊं, भिंडी से बुरी कोई सब्जी मुझे लगती ही नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरी मम्मी भिंडी की इतनी शौकीन है कि मुझे उनके लिए भिंडी लेना पड़ती है। अब जब घर में भिंडी उनके लिए बनती है तो मुझे भी खाना पड़ती है। असल में जो भिंडी के अंदर बीज होते हैं, बीज गोल गोल, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं योगी जी। चलो जब मम्मी ने भिंडी मंगाई है तो दे ही दो 1 किलो। मोदी जी कैसे चुप खड़े हो? अरे राहुल तुम्हारी और योगी जी की बात चल रही थी तो बीच में मैं क्या बोलता, इसलिए मैं कुछ बोला ही नहीं, मैंने सोचा तुम दोनों बात कर लो फिर मैं बात करता हूँ। अरे राहुल जब तुम्हें भिंडी पसंद नहीं है तो क्यों ले जाते हो? देखो मैं बेच जरूर रहा हूँ लेकिन किसी को जबरदस्ती भिंडी नहीं देता, वैसे तो भिंडी मैं 10 रुपए की आधा किलो बेच रहा हूँ लेकिन तुम्हें 7 रुपए की आधा किलो लगेंगी, समझे? यानी कि 14 रुपए किलो। अरे मोदी जी मैं क्या बताऊं, मैं अपनी मम्मी सोनिया जी से बहुत परेशान हूं, वो भिंडी की बहुत बड़ी शौकीन है। और ये बताओ जब भिंडी हम खरीदेंगे नहीं तो तुम्हारी भिंडी कैसे बिकेगी? तुम खुद मना कर रहे हो भिंडी देने से हमें। चलो ठीक है 1 राइड लगा लो, 6 रुपए की आधा किलो लगा लो, 1 किलो दे दो यानी कि 12 रुपए किलो लगा लो। अरे मोदी जी बहुत बढ़िया अनानास बेच रहे हो, ये बताओ ये पीला वाला अनानास बढ़िया रहेगा लेने के लिए या हरा वाला? कौन सा वाला खरीदूं ये बताओ, कौन सा अच्छा है? देखो राहुल अगर 1-2 दिन रख के खाओ तो वो हरा वाला ले लो, और अगर अभी खाना है तो पीला वाला ले लो, पीला वाला थोड़ा मीठा होगा, हरा वाला खट्टा होगा, साफ बात बताता हूँ मैं। और तुम्हें 1 राइट अनानास 70 रुपए किलो लगेगा। अरे योगी जी आ गए, योगी जी बड़ा कमजोर हो गए, क्या हो गया? अरे अनानास ले लो, अनानास खाओ अभी सेहत पकड़ोगे, बहुत कमजोर हो गए, काफी टाइम बाद दिखाई दिए। अरे मोदी जी क्या बताऊं, तबीयत थोड़ी अनबन रह रही है इसीलिए ये कंडीशन हो गई, बिल्कुल कमजोर हो गया मैं। और क्या कह रहे हो, अनानास ले लो? यार अनानास लेने के लिए पैसे नहीं है, अगर देना चाहते हो वो ऊपर जो कटा हुआ रखा है आधा अनानास वो दे दो, कुछ दिन में पैसे चुका दूंगा। अरे तुम तबीयत तो पूछ लेते हो, नहीं तो वो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो तबीयत तक नहीं पूछते। ये देखो तुम्हारे बराबर में राहुल खड़ा है अनानास ले रहा, इसने आज तक मेरी तबीयत नहीं पूछी,
जबकि ये मेरा पड़ोसी है। अरे क्यों राहुल, ये गलत बात है यार। योगी जी तुम्हारे पड़ोसी हैं, कम से कम उनसे हाल हवाल पूछते रहे करो। और कौन सा अनानास लोगे, डिसाइड कर लिया? हरा वाला लोगे या पीला वाला? अरे मोदी जी ये हराई वाला दे दो। अरे मैं एकदम कहाँ खा पाऊंगा, मम्मी को भी पसंद नहीं है अनानास, वो खाती नहीं है, तो मैं हल्के ही हल्के खाऊंगा। एक दो दिन रख के, एक दो दिन में ये पक भी जाएगा हरा वाला। पीला वाला ले लिया तो वो सड़ जाएगा अगर मैंने उसे दो चार दिन रख के खाया। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राहुल पूरा दिन भर की थकान मोदी जी की एक चाय की चुस्की में चली जाती है। मुझे तो खेत से थकार कर एक ही चीज नजर आती है, चाय की दुकान। पता है राहुल, पहले मोदी जी की चाय हम पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान थी वहां पर पीने के लिए जाते थे। अब तो इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर दी है, ऑटो रिक्शा में चाय की दुकान खोल ली है और ऑटो रिक्शा जगह जगह रोक कर खड़े हो जाते हैं, चाय बनाने लगते हैं। इस बात से तो योगी जी मैं 100% आपसे सहमत हूँ। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, क्या बचपन से आप चाय बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये कल परसों से मैंने चाय बनाना चालू की है? चाय का मेरा बहुत पुराना धंधा है। अरे अब तो ऊपर वाले की कृपा, मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया है, ऑटो रिक्शा में चाय बना के इधर उधर बेचता फिरता हूँ। पहले तो मैं घर चाय बनाता था और केतली में जगह जगह लोगों को पिलाता फिरता था। वैसे मोदी जी क्या स्कूल के बच्चों के लिए कॉपी रखना शुरू कर दी तुमने? कॉपी बहुत रखी है आपकी ऑटो रिक्शा पर। अरे ये कॉपी बेचना थोड़ी शुरू कर दी, इसमें उधार लिखा हुआ है। सबसे ऊपर वाली कॉपी राहुल की है, राहुल पर बहुत उधार हो गया है। अरे मोदी जी कितना उधार हो गया है इसके ऊपर? पूरे 10 लाख की चाय पी चुका है ये मुझसे। इतने कॉपी में पेच नहीं है जितना लंबा इसका उधार है। दूसरी कॉपी बनाना चालू कर दी मैंने इसकी। अरे राहुल उधार देता क्यों नहीं है? अरे इतनी लंबी चाय उधार पीता है, 10 लाख की चाय पी गया तू। तेरा तो 2 बीघा वाला खेत बिक जाएगा तो भी कर्जा नहीं चुका पाएगा मोदी जी का। और मोदी जी ये सबसे नीचे वाली कॉपी मोटा वाला रजिस्टर किसका है? ज्यादा बातें मत बनाओ योगी जी। अरे ये रजिस्टर आपका है, आप मुझसे 16 लाख की चाय उधार पी चुकी हैं। सबसे बड़ा उधार तो आप ही के ऊपर है मेरा। अरे मेरा 50 लाख रुपए का उधार चाय में फैला पड़ा है। अगर मैं नगद चाय बेचता तो मुझसे ज्यादा कोई अमीर नहीं होता। लेकिन क्या बताऊं, मैं रहम दिल हूं, कोई भी आता है चाय पीने के लिए मैं उसे पिला देता हूं। बात को कहता है वो पैसे कल ले लेना। जैसे योगी जी आप ही हर दिन कहते हैं कि मैं कल पैसे दूंगा, कल दूंगा। पता नहीं आपका कल कब होगा, मुझे पैसे चाहिए आज, पैसे दो। क्या योगी जी तुम्हें क्या जरूरत थी कॉपी बेच रहे हो ये पूछने की मोदी जी से, जबकि तुम्हें मालूम है ये उधार के रजिस्टर हैं। अब मोदी जी को उधार का ध्यान आ गया, अब वो उधार लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। जल्दी भागो चाय पी के यहाँ से। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचाऊ, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, 9 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या मोदी जी, आज तो बिल्कुल सारी जगह घिर गई। मुझे तो टीवी के पीछे बैठना पड़ रहा है, ऐसे मुझे टीवी कहाँ दिख जाएगी? अरे लालू जी थोड़ा उधर को सर को। राहुल जब लेट आओगे तो जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर बैठना ही पड़ेगा। तुमको ये मालूम होना चाहिए कि गांव में सिर्फ एक ही टीवी है मेरे घर पर, और गांव के सारे लोग यहां पर टीवी देखने के लिए आते हैं, तो जगह बनकर थोड़ी आएगी। जब सारे लोग आएंगे, जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाऊं। और ये क्या 9 बज गए, फिल्म शुरू हो गई होगी, टीवी सही से चली नहीं रही है क्योंकि ऊपर एंटीने पे ऐसा लग रहा है फिर से कौवा बैठ गया। लालू जी जाओ जरा देख कर आओ, एंटीने को घुमा कर आओ। नहीं मोदी जी आज मैं छत पर नहीं चढ़ूंगा, कल तो मैंने एंटीना घुमाया था, आज एंटीना घुमाने के लिए योगी जी को भेजो। ज्यादा बातें मत करो लालू जी, देखो फिल्म स्टार्ट हो गई होगी। तुमसे पहले मैं तो 4 बार एंटीना सही करके आया था, तुम 2 बार चले जाओगे एंटीना सही करने के लिए तो क्या हो जाएगा? देखो फिल्म चालू हो गई होगी, जल्दी इसे सही कराओ। अरे मोदी जी तुम्हारे टीवी का एंटीना आज ही खराब होने को रह गया था। मैं और सिद्धू जी 5 किलोमीटर से आज शनिवार की फिल्म देखने के लिए आए थे, हमें क्या पता यहाँ आकर तुम्हारी टीवी खराब हो जाएगी। अरे अमित शाह जी टीवी खराब नहीं हुआ है, छत पर एक एंटीना बंधा हुआ है, उसी के नेटवर्क को कैच करके तो फिल्म चलती है। उस एंटीने पे कभी कभी कौवा बैठ जाता है, वो हिल जाता है। उस एंटीने को जब हिला देते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा, फिल्म निकली जा रही है। अखिलेश तुम जाओ जाओ एंटीना सही करने के लिए। देखो मोदी जी आज मैंने खेत पर बहुत काम कर लिया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो छत पर नहीं चढ़ूंगा, और कभी किसी दिन मैं एंटीना सही कर दूंगा। अरे केजरीवाल तुम ही बढ़ जाओ छत पे, जाओ एंटीना सही करके आ जाओ। मोदी जी मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, मैं अगर छत पर एंटीना सही करने के लिए जाऊंगा तो मेरी जगह पर राहुल आकर बैठ जाएगा। चलो वैसी जी तुम्हारा ही सहारा है, तुम जाके एंटीना सही कर रहा हूं, ये कोई तो नहीं जा रहा है। मोदी जी मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि एंटीने को कसकर बांध दो छत पर, कसकर बांध दो, कौवा बैठे उससे हिले नहीं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। कौवा बैठता है
एंटीना हिल जाता है और टीवी का नेटवर्क चला जाता है। अरे आधी फिल्म तो खत्म हो गई होगी। चलो हम ही जाते हैं छत पर सही करने के लिए एंटीना। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।